2024 के चुनाव को देखते हुए आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आज बंगाल के दौरा में निकले, जहां बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मुलाकात किया और कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं भी हुई। इसके साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से संबोधित करके कई तरह के सवाल उठाए और उन्होंने केंद्र सरकार को घेरे में लेते हुए कई तरह की अपेक्षाएँ रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी के साथ हमारा घनिष्ठ रिश्ता है और उनके साथ आना जाना हमारा बंगाल में रहता ही रहता है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे 2024 की चुनाव नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे गर्मराहट कुछ अलग ही दिखाई देने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बंगाल की सियासत में जिस तरह से तेज़ी आई है, उसी तरह आज ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से कई तरह की अपनी बात रखी। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आज तो बातचीत हो ही गई और पहले तो हमारा संबंध इनके साथ रहा ही है, आना जाना यहाँ से हमारा बराबर होता था, तो कुछ वर्षों से तो आ ही नहीं पाए। इनसे बात हुई और आज यहाँ आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ सब कुछ देख रहे हैं कितना इन्होंने और डेवलप कर दिया है, तो इन सब चीज़ों को और बाकी जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है, और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं, देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया है, तो कहीं भी चल करके आप देखिए ना कि वहां से जो काम हो रहा है। इसलिए बाकी सब कुछ ये है तो देश के हित में, और लोग तो जो कुछ भी हम लोगों के देश का पुराना इतिहास है और आज़ादी की लड़ाई है, तो उन सब चीज़ों को नई पीढ़ी तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए, तब ये लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है, और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है और बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव बात हुई है, हम अपना ही कहेंगे।